कहते हैं अकाल पड़ता है तो पीहर और ससुराल दोनों जगह एक साथ पड़ता है। कुछ ऐसा ही हो गया है पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। आपको बता दूं, ये जो ब्रिक्स समिट हो रहा था ना, इस ब्रिक्स समिट में जब सी जिनपिंग और पीएम मोदी आमने सामने बैठे तो एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में ये दिख रहा है कि आखिरकार डोवाल क्या कर रहे थे। पर सी जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को देगा, ये पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान में अब चर्चा हो रही है कि सी जिनपिंग ने हमें बड़ा वाला धोखा दे दिया है। क्या पाकिस्तान को किसी और चीज का डर लग रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह सीआईएस न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिक्स की मीटिंग को लेकर दुनिया भर की नजरें थी, अमेरिका से लेकर पश्चिमी दुनिया से लेकर हर एक की नजर थी कि क्या होता है यहाँ पर। एक चीज तो तय हो गया था, भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर का एग्रीमेंट हो गया है, इसका मतलब सारे सुलह हो गए हैं, और जब सुलह हो चुके हैं तो यहाँ मोदी और जिनपिंग मिलेंगे जरूर। और ऐसा हुआ भी, मोदी और जिनपिंग यहाँ पर मिले। ये वो शुरुआती वीडियो है जिसमें आखिरकार दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए भी दिखे। और ये जो मीटिंग थी ना, ये छोटी मीटिंग नहीं थी, 50 मिनट की ये मीटिंग थी। 50 मिनट एक ठीक ठाक नंबर है, और इतने समय में दोनों ने बायलेटरल मीटिंग करी, दोनों के ही तरफ से पूरे डेलीगेशन थे। और फिर जो ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद क्या बातचीत हुई वो भी चर्चा का विषय बना। स्क्रीन पर आप एक वीडियो है जिसमें पीएम मोदी की बात सुन सकते हैं। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। यहाँ पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, खुल्लम खुल्ला तरीके से कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में भारत और चाइना की दोस्ती एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, और इसे बॉर्डर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बातें इन्होंने जो भी है अपनी बात साफ साफ कह दी। हालांकि सी जिनपिंग ने भी इस चीज को माना, स्क्रीन पर आप एक वीडियो है देख सकते हैं। सी जिनपिंग ने इस चीज को माना कि हाँ, हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके अपने मुद्दों को हल करना चाहिए, एक दूसरे के साथ संबंधों को मजबूत रखना चाहिए। जब इन दोनों की मीटिंग हो रही थी तो एक गर्मजोशी दोनों के बीच में देखने को मिली। 5 साल बाद इस तरह की द्विपक्षीय मीटिंग हुई, ये तो दुनिया के लिए एक अजूबा था ही, खास करके अगर बात करें वेस्टर्न दुनिया के लिए तो ये बहुत बड़ा अजूबा था। लेकिन इस मीटिंग के लिए मजबूर भी किसने किया है तो समझ लीजिए कि जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं वो एक बहुत ज्यादा बड़ा कारण बना है। स्क्रीन पर जो ये 3 लोगों की तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक नया जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बना रहे हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका भी एक बड़ा कारण है। अमेरिका इसलिए बड़ा कारण है कि कनाडा को आगे करके अमेरिका बहुत सारे ऐसे दबाव बनाना चाह रहा था भारत के ऊपर, जो दबाव अब तोड़ता हुआ भारत इस मीटिंग में दिख रहा है। हालांकि कई ऐसे वेस्टर्न एक्सपर्ट भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये शांति जरूरी है, पर कहीं कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर भरोसा करके बड़ी गलती कर रहे हो। भारत भी, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना पर नजर रखने के लिए सिंगापुर के साथ अपने डिफेंस टाइज को मजबूत कर रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है भारत ढीला छोड़ रहा है पतंग को। समय के साथ भारत चल रहा है, ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। अब इस पूरी मीटिंग के दौरान ना एक देश बड़ा टेंशन में आ गया, और ये देश कौन सा था? पाकिस्तान। सबसे पहले स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, इन्होंने एक तस्वीर साझा करी, रूस ने जो प्रस्ताव दिया है
करेंसी का उसकी। और इन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर फ्लैग है, अफगानिस्तान का भी फ्लैग है, यहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग क्यों नहीं है, पाकिस्तान के बारे में इन्होंने क्यों नहीं लिखा है, इन्होंने तालिबान नहीं बल्कि पुराने अफगानिस्तान को लिया है, पर यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया है, लगता है हमने यूक्रेन की बड़ी मदद कर दी ना, इसीलिए शायद ये नहीं ऐसा कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, एक बड़े पुराने पत्रकार हैं पाकिस्तान के, बकीर सज्जाद ने इससे पहले एक ट्वीट को आंसर देते हुए कहा था, कमर चीमा ने कहा था कि देखो हम तो यहाँ युद्ध के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपने घर के ही अंदर में लड़ाइयाँ हो रही है और ब्रिक्स में नए नए पार्टनर घुस रहे हैं। तस्वीर साझा करी थी ये ग्रुप में बैठे हुए लोगों का। तो बकीर सज्जाद ने कहा था कि एक बात बताओ, दुनिया को ब्लेम करना छोड़ो, क्या तुम खुद मानते हो कि पाकिस्तान इसमें शामिल हो सकता है, पाकिस्तान इस तरह से शामिल होना चाहिए? पर SCO की जब मीटिंग करी हाल ही में, पाकिस्तान ने SCO की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी तो उन्हें भरोसा था। इन्होंने इस बात को कहा भी, कई ऐसे बायलेटरल्स जो मीटिंग्स हुए उनमें इन्होंने कहा कि ब्रिक्स का मेंबर बनने की चाहत रखता है पाकिस्तान और पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनाना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं, यहां सबसे तगड़ा वाला झटका दे दिया है सी जिनपिंग और पीएम मोदी ने। पाकिस्तान के लिए ये सबसे ज़्यादा डरने वाली बात है। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स में शामिल होने की उम्मीद लगाए पाकिस्तान को जो झटका लगा है, उसने एक आवेदन किया था औपचारिक तौर पर और रूस ने भी चने की झाड़ में चढ़ाना शुरू किया था। शुरू शुरू में रूस ने भी कहा था हाँ जी हम तो आपके साथ हैं, चाइना ने भी कहा था हाँ जी हम तो आपके साथ हैं। माना जा रहा है कि चाइना ने इस्लामाबाद को भरोसा दिया था, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ और पुतिन को तो मैं मना ही लूंगा। लेकिन बुधवार को चीनी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के साथ ही पाकिस्तान की सदस्यता की सारी उम्मीदें भरभरा कर गिर गई। ब्रिक्स ने नए पार्टनर देशों को शामिल किया लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। वहीं तुर्की को पार्टनर देशों में शामिल किया गया है। जिनपिंग की मोदी से मुलाकात को पाकिस्तानी अपने लिए एक धोखे की तरह देख रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इनके पत्रकारों का ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यहाँ पर कहा था कि भागीदारी वाले देशों का स्वागत है लेकिन कोई भी फैसला हो सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। अब उसी समय समझ में आ गया कि यहाँ पर ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री नहीं होगी। इस मामले में चाइना ने चुप्पी साध ली, चाइना ने कुछ भी नहीं कहा। आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ट्वीट, कई सारे लोग पाकिस्तान को ये कह रहे थे छोड़ो यार तुम अपना ब्रिक्स बना लो। अब ये इस हद तक सपने देख रहे हैं। यहाँ पर भारत ने आतंकवाद को लेकर भी साफ कर दिया था कि दोहरा रवैया नहीं चलेगा। अब इस चीज को माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में टेंशन ज्यादा खड़ा होने वाला है और खास करके POK को लेकर आगे क्या होगा बहुत बड़ी बात बन जाएगी। खैर, जहां जिनपिंग से पीएम मोदी की बातचीत हो रही थी तो आप देखेंगे अजीत डोभाल एक एक मुद्दे पर अपने हामी को देते हुए नजर आए। इस वीडियो में देख सकते हैं, बड़ा ही वायरल हुआ है ये वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।